विदिशा जिले के पठारी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने मंदिरों में हो रही लगातार चोरियों का पर्दाफाश कर माल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना पठारी में दिनांक 24 जुलाई 2024 को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि श्री बालाजी धाम के हनुमान जी के गहने, चांदी का मुकुट, चांदी के दोनों हाथों के बाजूबंद, चांदी की माला के अज्ञात आरोपी द्वारा बालाजी मंदिर में चैनल गेट का ताला तोड़कर गहने चुरा ले गए हैं। रिपोर्ट पर थाना पठारी में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसी तरह कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उक्त मंदिरों में हुई चोरी की गंभीर घटना एवं जनमानस की धार्मिक भावनाएं आहत होने से मामले की गंभीरता को लेकर चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर चोरी गए भगवान के जेवर बरामद किए हैं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। चोरी के बारे में दिनांक 23 जुलाई 2024 को बड़ो मंदिर में चोरी हुई। इसमें सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदेह दिखे। इसमें जो है हनुमान जी का जो और उसके हाथ के बाजूबंद की चोरी हुई। इसके बाद अगस्त में 18 अगस्त की रात में बिस्लोनी करके जगह है, बिसराही करके जगह है, वहाँ के मंदिर में वहाँ से मुकुट और पेंगी चोरी। साथ ही उदयपुर जो मंदिर है थानागंज वासुदा का, उसमें 24 अगस्त और 25 अगस्त की रात में जो है वहाँ की माता बाई के मंदिर में मुकुट और बाकी सारी ज्वेलरी चोरी हुई। इसके संबंध में हमारे थाना पठारी के थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर के पवार साहब, इन लोगों की टीम, साथ ही जो है थाना सिमलासा के जो थाना प्रभारी हैं, इन लोगों ने संयुक्त काम किया था। सिमलासा में भी एक मंदिर चोरी हुई, ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर के इसमें काम कर रहे थे। तो कुछ कल इस मुखबिर की सूचना से ये पता चला कि दानखेड़ी मंदिर के पास कुछ लोग रैकी कर रहे हैं। उसमें जो है दो संदेहियों को पकड़ा, जिनकी बॉडी लैंग्वेज हूबहू वैसी दिख रही थी जो सीसीटीवी में। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके इनने जो है जो उनको कबूल किया। साथ ही इनके पास से जो मंदिर चोरी सामान गया था वो जब्त हुआ है। ये इसमें तीन आरोपी हैं, एक रम्मू और राम सिंह सौर करके, ये ग्राम भेरखेड़ी थाना बांदरी सागर जिले का रहने वाला है। इसी के साथ में एक राजेंद्र जो है गौंड, ये भी ग्राम भेरखेड़ी थाना बांदरी का रहने वाला है। और इनके साथ में एक और आरोपी था जो गब्बर यादव करके, ये भी वहीं का रहने वाला है। इन लोगों ने कुछ इसका जो पार्ट है, जो चोरी का जो सामान लिया था, उसको गलाने के लिए दो सुनारों को, जो बड़ो जागीर और पुरई के सुनार, उनको दिया है। इसके संबंध में और जांच की जा रही है। साथ ही अभी लगभग जो है 90% मछलू का जो है हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। ये सब जो है जो कार्रवाई है, वरिष्ठ अधिकारी हमारे आदरणीय एस पी सर और आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत चौधरी सर ने हमें समय समय पर गाइड किया और सारी चीज़ें हमें बताते रहे, और हमने साइंटिफिक चीज़ों को यूज़ किया, तो उसके आधार पर हम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।